दोस्तों, आप सभी लोगों का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी को देखेंगे, एलन प्रेड महोदय की बिहेवियरल लोकेशन थ्योरी। व्यवहारिक जो सिद्धांत है उनका उद्योगों के स्थानीकरण का, उसको हम लोग समझेंगे। बिहेवियरल मैट्रिक्स की उन्होंने बात की, उसको देखेंगे। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी के साथ एक कठिनाई ये है कि ये बुक्स में आपको जल्दी नहीं मिलेगी। इस थ्योरी का कंटेंट बहुत रेयरली देखने को मिलता है, इसीलिए इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आए हैं, और ये हम लोग के सिलेबस में भी इंक्लूड है। तो इस वजह से इस थ्योरी को समझना हम लोगों के लिए आवश्यक है। इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक लिस्ट आ रही होगी, इस लिस्ट को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि जितने भी हम लोग के मॉडल्स हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के, उन सभी मॉडल्स से एक क्वेश्चन काफ़ी आता है कि मतलब मॉडल दिया किसने था ये, या उनकी बुक का नाम आ जाता है कभी कभी। मिलान करने वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में मॉडल्स कौन कौन से हैं। तो एक तो पहला नंबर एक अगर हम क्रम से देखें तो अल्फ्रेड वेबर का मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेमस 1909 और 1929 में इनकी रचना थी थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके बाद जो अगला मॉडल है इम्पॉर्टेंट वो है ऑगस्त लॉश का मॉडल 1940 और 54, और इनकी जो रचना थी उसका नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। इसके बाद हूवर का सिद्धांत आया, ईएम हूवर 1948 में, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से उनकी रचना थी, उसमें इन्होंने दिया ये मॉडल। इसके बाद वॉल्टर इजार्ड 1956, और इनका जो टाइटल था वो था लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी, और इनकी थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट कहते हैं, स्थानापन्न का सिद्धांत। जल्दी हम लोग कुछ दिनों में इस थ्योरी को भी डिटेल में समझेंगे, बहुत ही अच्छी थ्योरी है। इसके बाद एलन प्रेड जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं, 1967 का सिद्धांत बिहेवियर एंड लोकेशन इनकी किताब थी। और इसके बाद सबसे अंत में डीएम स्मिथ का सिद्धांत जिसका कि टाइटल था इंडस्ट्रियल लोकेशन, इसी बुक में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया हुआ था 1971। तो ये टूट है वेबर का, लॉश का, हूवर का, इजार्ड का, प्रेड का और स्मिथ का। इसमें इजार्ड का जो सिद्धांत है वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, और हो सकता है इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आ भी सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ों से भी क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है। और नहीं, बाकी अदर एग्ज़ाम्स में तो इजार्ड से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इजार्ड की जो थ्योरी है वो ईजी थ्योरी है और काफ़ी फेमस थ्योरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उनकी बुक्स के भी नाम देख लिए, और प्लस हम लोगों ने देख लिया विद्वान का नाम, और ईयर को भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे एक चीज़ और आपको डाउट लग रहा होगा कि वेबर में और लॉश में दो दो ईयर्स हैं। तो वेबर का सिद्धांत 1909 में आ गया था जर्मन में, बाद में उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में 1929 में किया गया। यही चीज़ लॉश के साथ भी थी, 40 में थ्योरी आ गई थी, 54 में उसका ट्रांसलेटेड वर्जन आया था, तो इसीलिए उन दोनों में दो दो ईयर्स हैं। तो ये हो गए हम लोग के इम्पॉर्टेंट सिद्धांत। एक सिद्धांत और है, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो भी डायरेक्टली सिलेबस पे नहीं है, लेकिन उससे एक या दो बार क्वेश्चंस आए हैं। टॉल्ड पैलेंडर का सिद्धांत 1935 में संभवतः वो सिद्धांत आया था, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे डिटेल में आगे जब उस पर हम उस अध्याय पर हम लोग बात करेंगे। वैसे वो डायरेक्टली सिलेबस पर उसको मेंशन नहीं किया गया, सिलेबस में जो सिद्धांत मेंशन है उनमें वेबर हैं, लॉश हैं, हूवर हैं, प्रेड हैं और स्मिथ हैं। यही पांच सिद्धांत आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किए गए हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। तो ये तो हो गई एक इंट्रो की बात, यहाँ से आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बुक्स के नाम, ईयर्स, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग अपने आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, एलन प्रेड के सिद्धांत पे। एलन प्रेड महोदय ने 1967 में उनकी किताब आती है बिहेवियर एंड लोकेशन, फाउंडेशंस फॉर अ ज्योग्राफिक एंड डायनामिक लोकेशन थ्योरी।
तो ये 1967 की एक बहुत ही फेमस किताब थी ब्रेड महोदय की, बिहेवियर एंड लोकेशन। बहुत सारी जगहों पे आपको सिर्फ इतना ही टाइटल मिलेगा, बिहेवियर एंड लोकेशन, लेकिन इसका पूरा जो नाम था वो था बिहेवियर एंड लोकेशन, फाउंडेशंस फॉर अ जियोग्राफिक एंड डायनेमिक लोकेशन थ्योरी। और ये ओरिजिनल बुक भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिनल किताब है जब उन्होंने लिखी थी ये किताब। और एलन प्रेट को हम लोग थोड़ा सा अगर थॉट में जाएं, एक बैकग्राउंड समझें, तो जब हम लोग पढ़ते हैं समकालीन चिंतन फलक, कंटेम्पोरेरी पैराडाइम, आपको पता होगा पैराडाइम्स दो तरह के हैं, एक कंटेम्पोरेरी पैराडाइम है, ट्रेडिशनल पैराडाइम है। ट्रेडिशनल पैराडाइम में हम लोग पढ़ते हैं टेलियोलॉजिकल, रोमांटिक, एनवायरमेंटलिस्टिक, पॉसिबिलिस्टिक और कोरोलॉजिकल, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद समकालीन चिंतन फलक, समकालीन चिंतन फलक मेनली हम कह सकते हैं आफ्टर 1950 या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें हम लोग पढ़ते हैं पॉसिबिलिस्टिक, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और वेलफेयर, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो हम लोग का बिहेवियरल पैराडाइम है, व्यवहारवादी चिंतन फलक, उसमें एलन प्रेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। उसमें और भी नाम है, बिहेवियरल ज्योग्राफी पे डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हैं आप लोग। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं जूलियन वोल्पर्ट को, साइमन को, कॉक्स, गोलिच, इन लोग को हम लोग पढ़ते हैं। प्रेट का नाम वहां पर भी आपने जरूर सुना होगा। तो प्रेट एक प्रकार के ऐसे ज्योग्राफर थे जो व्यवहारवादी, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो व्यवहारवादी उपागम है, उसके समर्थक थे। इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है, और इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के विरोध में थे, क्योंकि जो व्यवहारवादी विचार आया वो मात्रात्मक क्रांति के विरोध में ही उसका आगमन हुआ था। क्योंकि व्यवहारवादी में हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य के जो एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, इन सब चीज़ों को महत्व दिया गया। व्यवहारवादी से मतलब ये कि हम जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस दें, ना कि मैथमेटिक्स को, जो कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में दिया जा रहा था। तो एलन प्रेड एक व्यवहारवादी उपागम के बहुत ही बड़े विद्वान माने जाते हैं, और उनकी किताब हम लोगों ने देख ली। अब बात आती है इस थ्योरी की। अभी तक हम लोग एक बैकग्राउंड समझ रहे थे कि कैसे इस थ्योरी की स्टार्टिंग हुई और क्या थॉट प्रोसेस था एलन प्रेड का। वो व्यवहारवादी चिंतन फलक के विचारक थे। इस सिद्धांत में उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच टू लोकेशन की बात की है। जैसे जब हम लोग और सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पे हमको कहीं ना कहीं एक चीज ये नजर आएगी कि हर जगह क्वांटिटेटिव मेथड का ज्यादा यूज किया गया। किसी भी विद्वान ने, आपने पढ़ा भी होगा, आपने इजार्ड को पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा डीएम स्मिथ को, हूवर को, लॉश को, वेबर को, ये जितने भी विचारक हैं, क्या इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को छोड़ भी दें थोड़ी देर के लिए, हम क्रिस्टोलर को देख लें और अदर जो भी मॉडल्स हैं हम लोगों के, उन सब मॉडल्स में एक चीज ये हमको देखने में नजर आएगी कि कहीं पर मनुष्य के व्यवहार को महत्व नहीं दिया गया था, और इसी पॉइंट के विरोध में व्यवहारवादी उपागम का जो है आगमन हुआ था, कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये तो बता दिया गया जो है थ्योरीज में, माइग्रेशन की थ्योरीज में, कि जहाँ पे दूरी कम होगी वहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा होगा, या जहाँ पे दूरी अधिक होगी डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस डीके फंक्शन की बात की गई थी माइग्रेशन के मॉडल्स में, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे कभी। लेकिन ये चीज़ नहीं ऐड की गई कि मनुष्य का व्यवहार भी माइग्रेशन को प्रभावित कर सकता है, जो कि बाद के विद्वानों ने ऐड की, इस बात को उन लोगों ने शामिल किया। तो बिहेवियरल अप्रोच टू लोकेशन जो सिद्धांत है, इसका यही इंपॉर्टेंस है कि इस सिद्धांत में सबसे पहले व्यवहारवादी जो विचार है इंडस्ट्रियल लोकेशन का, उसको इसमें उन्होंने बताया ब्रेड महोदय ने। और इसमें, इस सिद्धांत में हालांकि चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो इन्होंने सबसे मेन तीन बातें बताई, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और एबिलिटी टू यूज द इंफॉर्मेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। मतलब कि हमने मान लीजिए जैसे बाकी जो सिद्धांत हैं, ज़्यादातर सिद्धांतों में कहा गया है कि यहाँ पे कॉस्ट कम आएगी, या यहाँ पे लागत ज़्यादा लगेगी, या इस स्थान पे जो है श्रम सस्ता है, ग्राफ ये सब बना के सभी लोगों ने बताया हुआ है, आपने पढ़ा होगा।
तो ये चीज तो उन लोगों ने बता दी, लेकिन फाइनली जो इंडस्ट्री तो किसी व्यक्ति को ही लगानी है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर पूरा गणित बैठा लिया कि यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा आ रही है, यहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है, रेवेन्यू ज्यादा आएगा, तो हम इंडस्ट्री अगर वहां लगाते हैं तो हमें सफलता जरूर मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी पॉइंट की बात करते हैं, परेट। परेट कहते हैं कि वो सारी चीजें आपकी ठीक हैं, आपने ग्राफ्स बनाए, आपने मैथमेटिक्स का यूज किया, और इस सभी चीजों से आपने बता दिया कि ये लोकेशन परफेक्ट है इंडस्ट्री के लिए या किसी भी जो है उद्योग को लगाने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति है, व्यक्ति का भी बहुत ही महत्व होता है। उन्होंने तीन चीजें बताई। अगर हम एक उद्योगपति हैं और हमको कहीं इंडस्ट्री लगानी है, तो जिस स्थान पे हमें लगाना है इंडस्ट्री, हमको उस स्थान के बारे में कितनी जानकारी उपलब्ध है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन होने से मतलब नहीं है, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है। इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप मोबाइल फोन लेने गए और मोबाइल फोन वाले जो शॉप है, शॉप वाले ने बताया कि इसमें कैमरा है, इसमें बटन्स हैं, इसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं, तो आप उससे ये कहेंगे कि भाई ये इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि आजकल तो सभी फोन्स में चीजें आ रही हैं, कैमरा, म्यूजिक और लाइट्स। आप जब उसको जब वो आपको ये बताएगा कि हाँ इसमें इसकी रैम इतनी है या फिर इसमें ये इसका एंड्रॉयड वर्जन है या कोई उसमें और स्पेशल फीचर होगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये इस इंफॉर्मेशन में कोई क्वालिटी है। वैसे तो इससे अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेने गए, गाड़ी वाले ने आपको बताया कि इसमें टायर्स हैं, लाइट्स हैं, स्टेयरिंग है, म्यूजिक सिस्टम है, तो आप तो बोलेंगे ना उससे कि ये वो क्या कर रहा है गाड़ी वाला, वो बस अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो उसके पास है लेकिन उस इंफॉर्मेशन में क्वालिटी नहीं है। आपको उससे ये जानना है कि क्या इसमें ABS है, क्या इसमें एयरबैग्स हैं, क्या EBD है, क्या हिल होल्ड है इसमें, मतलब जो आज के मॉडर्न फीचर्स हैं क्या वो हैं। लाइट और म्यूजिक और ये बाकी फीचर्स तो आजकल हर गाड़ियों में हो रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी कितनी है किसी स्थान की, ये तो महत्वपूर्ण है कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर दो उन्होंने ये बोला कि क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमारे लिए यूजफुल हो। और नंबर तीन सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, लेकिन सबसे अंतिम वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये अंतिम वाला पॉइंट इस पूरे सिद्धांत का आधार है, एबिलिटी टू यूज द इन्फॉर्मेशन। आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे कर पा रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन दो पॉइंट्स पे बहुत जोर दिया है परेड महोदय ने। जैसे इसको हम लोग ऐसे भी इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट ऑलमोस्ट सभी लोग को पसंद होता है, कभी लोगों ने जिसको पसंद नहीं भी होता है उसने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। तो हम लोग उसमें ही देखते हैं कि अब मान लीजिए कि किसी एक ऐसे बैट्समैन को या कोई एक किसी नॉर्मल व्यक्ति को जो जो क्रिकेट देखता जरूर हो बट उसने खेला कभी ना हो, उसको इंटरनेशनल मैच में आप किसी ऐसी पिच पे भेज दो जो बिल्कुल सपाट पिच हो, मतलब जो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच हो, उस पर आप उसको बैटिंग करने के लिए भेज दो, तो क्वालिटी तो है उस पिच में बढ़िया, लेकिन क्या उस व्यक्ति के अंदर वो स्किल है? ना तो उसके पास वो स्किल है, ना तो उसके पास वो एक्सपीरियंस है। तो उसके पास जब वो एबिलिटी ही नहीं है, भले ही पिच बहुत सपाट हो लेकिन वो रन्स कर ही नहीं पाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, पिच थोड़ी मुश्किल भी है लेकिन उस वो अपनी एबिलिटी से रन्स कर सकता है उस पे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन से जरूरी नहीं है, हमें उस एबिलिटी हमें हमारे अंदर वो एबिलिटी भी होनी चाहिए कि यूज़ कर सकें। जैसे हम जब मैथ्स के सवाल लगाते हैं तो हमें मान लीजिए किसी ने हमें खूब सूत्र दे दिए, फॉर्मूला हमको दे दिया एग्जाम में, लेकिन अगर हमने कभी घर पे प्रैक्टिस की होगी कि ये सवाल ऐसे लगता है, तभी तो हम उस फॉर्मूले का यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि इस फॉर्मूले को हमें यूज़ कैसे करना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई, और उसमें उन्होंने दो चीज़ों पर जोड़ दिया, स्किल पे और एक्सपीरियंस पे, कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए और अनुभव होना चाहिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। स्किल या टैलेंट तो हो सकता है नए लोगों में भी हो सकता है,
लेकिन एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा एक टाइम लगता है आपके पास। जैसे अगर आप उद्योग लगा रहे हैं तो उद्योग के क्षेत्र का आपके पास कुछ अनुभव हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, आपने कुछ किया हो, या आपका कुछ हिस्ट्री रहा हो उद्योग से संबंधित, तो उसका फायदा आपको मिलता है। ये सब बातें जो है एलन प्रेड महोदय ने बताई अपने सिद्धांत में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो इंडस्ट्री के लोकेशन को प्रभावित करता है, लेकिन किसी भी विद्वान ने इस पॉइंट को बहुत ज्यादा प्रमुखता से ऐड नहीं किया। हो सकता है कि सारी अच्छी कंडीशंस मौजूद हों, लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री लगाने वाले के पास एबिलिटी नहीं है, उसके पास स्किल और एक्सपीरियंस नहीं है, तो भले ही वो स्थान लोकेशन उपयुक्त हो, लेकिन फिर भी वो उसकी इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन कहीं कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास एबिलिटी है, स्किल और एक्सपीरियंस है, तो भले ही वो स्थान लोकेशन बहुत परफेक्ट ना भी हो, लेकिन फिर भी वो उसमें से भी सफल होकर निकल सकता है। तो ये पूरा खेल है एबिलिटी का, स्किल का और एक्सपीरियंस का। ये तो हो गई बात एलन प्रेड के सिद्धांत की। छोटा सा सिद्धांत था, मेन मेन चीज़ हम लोगों ने देखी। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन कई बार तो सिंपल आया है कि किसने इन सब पॉइंट्स की बात की थी, ये तीनों पॉइंट तो सिंपल है, एलन प्रेड सही आंसर हो जाएंगे। कई बार ये पूछा गया है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि किसने बिहेवियरल मैट्रिक्स की बात की है। अभी आगे हम लोग देखेंगे बिहेवियरल मैट्रिक्स को, तो उसका भी सिंपल आंसर हो जाएगा कि एलन प्रेड ने बिहेवियरल मैट्रिक्स की बात की थी। दोस्तों, बिहेवियरल मैट्रिक्स को जानने से पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग एलन ब्रेड महोदय के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था एलन रिचर्ड ब्रेड, एक इंटरनेशनली नोन अमेरिकन ज्योग्राफर थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये प्रोफेसर थे। कई बुक्स इन्होंने लिखी, पूरी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसको दिखाने का उद्देश्य बस यही है कि एक थोड़ी आइडिया लगे आपको कि कहाँ के ज्योग्राफर थे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जिस तरीके से जो हम लोग के बाद के वर्क्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हुआ, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इन सब में अमेरिकन्स का काफ़ी योगदान है। इसके बाद ये है आपका बिहेवियरल मैट्रिक्स। बिहेवियरल मैट्रिक्स क्या है? जैसा कि जो भी मैंने अभी बताया कि कैपेसिटी टू यूज़ इन्फॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो बातें प्रेड ने बताई, तो प्रेड ने क्या किया कि उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, कि ये चीज़ें तो उन्होंने बता दी लेकिन इसकी स्टडी हम कैसे करेंगे, तो एक मैट्रिक्स उन्होंने दी। यही है वो मैट्रिक्स। इसमें एक सिरे पे आप देख लीजिए, ऊपर से नीचे की ओर साइन बना हुआ है अवेलेबिलिटी का, ये इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है, और एक साइड लिखा है कैपेसिटी टू यूज़। तो यही है बिहेवियरल मैट्रिक्स। और इस बिहेवियरल मैट्रिक्स के माध्यम से ही हमको पता चलता है कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसी इन्फॉर्मेशन है, मतलब अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी एक साइड, और फिर हम उसका क्या यूज़ कर पाएंगे, क्या कैपेसिटी टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है, वो दूसरे साइड से हमको पता चलेगा। और इसी के माध्यम से ये ग्राफ भी बन के आएगा, जो कि काफ़ी हद तक डीएम स्मिथ के ग्राफ से मिलता जुलता ग्राफ है। वो हम लोग जब स्मिथ की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। और फाइनली प्रेड के जो बिहेवियरल मैट्रिक्स है, उससे इस तरीके का एक फिगर निकल के आता है, लोकेशंस पता चलती हैं, परफेक्ट लोकेशन क्या होगी इंडस्ट्री के लिए। तो हमको इसके बारे में अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में तो रिटन क्वेश्चन नेट जेआरएफ में आएगा नहीं इस पर, और वैसे भी नॉर्मली इस पर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप के लिए इसमें आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी हम लोगों ने ली, वो सभी चीज़ें आप वहाँ पर दे सकते हैं, और बिहेवियरल मैट्रिक्स का इस तरीके का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। और बाकी इसके बारे में कभी जब हम लोग डिटेल में इस पे बात करेंगे प्रॉपर बिहेवियरल मैट्रिक्स पे, तो वहाँ पे जानेंगे कि कैसे कैसे इसमें लोकेशंस को हम लोग ज्ञात करते हैं। और बाकी जब हम लोग डीएम स्मिथ की थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो ग्राफ वाली बात इन्होंने बताई है, कॉस्ट और रिवेन्यू वाली, जो भी हम लोगों ने पिछले वाले चित्र में देखी थी, उसको हम लोग वहाँ पर जान लेंगे। तो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हम लोग के लिए जानना सफिशियंट है प्रेड के विषय में, कि प्रेड का मेन कॉन्सेप्ट क्या था। और बिहेवियरल मैट्रिक्स से क्वेश्चन यही आता है कि बिहेवियरल मैट्रिक्स का जो विचार है, ये ज्योग्राफी में सबसे पहले किसने दिया। और इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं कि बिहेवियरल मैट्रिक्स जो है वो दिया था
जूलियन वोल्टबर्ट ने, क्योंकि जब भी व्यवहारवाद की बात आती है तो साइमन और वोल्टबर्ट, इन दो विद्वानों का नाम साइमन हुए, वोल्टबर्ट हुए, किर्क हुए, और ऑप्शंस भी इतने कठिन होते हैं, किर्क, साइमन, वोल्टबर्ट और ब्रेड, तो ये चारों के चारों विद्वान व्यवहारवाद से संबंधित हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम जो है व्यवहारवाद का, वो है जूलियन वोल्टबर्ट। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जूलियन वोल्टबर्ट को ही सही आंसर मानते हैं, लेकिन व्यवहारवाद में तो जूलियन वोल्टबर्ट हैं इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा नाम वही है, लेकिन जब बिहेवियरल मैट्रिक्स की बात होगी तो सिर्फ एक ही नाम है, एलन ब्रेड, उन्होंने ही ये वर्क किया था और यही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, छोटा सा ही अध्याय था, आगे हम लोग इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की किसी और थ्योरी को देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।